चलती रही है साले का, काम काम नहीं है, बस वो लड़ाई करने काम है साले को, शर्म नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और सभी को वेलकम बैक हो चुका है मानस कंटेंट व्लॉग से एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत तगड़ा प्रैंक। अभी मैं जस्ट कॉलेज से आया हूँ, किसी को पता नहीं कि मैं कॉलेज से आ चुका हूँ, ठीक है। और कोई मतलब आया भी नहीं, गेट खुला हुआ था, सब लोग व्रत है सबका, है नौ दुर्ग के चलने, इसलिए तो सब लोग ऊपर बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और पापा का था बैच, पापा गए बैच लेने, ठीक है। और बड़े पापा भी आज घर पर ही हैं क्योंकि छुट्टी थी ईद की, इसलिए। और गाइस, मैं अभी आया जस्ट कॉलेज से, और मैं पता क्या लेकर आया था, पट्टी, और यहाँ पर लाया हूँ सेवलॉन। तो गाइस, कुछ लोग समझ गए होंगे, तो चलो पॉज करके बताना कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन चलो अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैंक। कौन सा प्रैंक? दीदी पे, सब पे, सब पे टोटल, किसी को पता ही नहीं, किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करा मैंने। आज हम करेंगे प्रैंक, कौन सा सर फट गया प्रैंक। मैं कहूँगा कि मैं लड़के आया हूँ, दीदी को बुलाऊंगा पहले, कहूँगा मैं लड़के आया हूँ, तू मत बताना बस किसी को, बस वो आप लोग देखते रहना क्या होने वाला है। अब मैं सारी चीज़ें ऐसे बता दूंगा तो फिर मेरा कैसे आएगा, है ना। तो चलो फटाफट से पट्टी वगैरह बांधते हैं, मुझे एक बनती नहीं है पट्टी, बड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन ट्राई करते हैं कैसे बांधते हैं, है ना। फटाफट से पट्टी बांधते हैं। गाइस, तुम्हारे भाई ने बांध ली है पट्टी, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर पट्टी बांधी है भाई। पता नहीं कैसे आज बंद भी गई भाई, वैसे बनती नहीं है पट्टी मुझसे, आज बंद भी गई। लेकिन चलो अब भारी कैमरा छुपाने की, फिर बुलाएंगे दीदी को और दीदी का रिएक्शन नोट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से कैमरा छुपाते हैं। तो भाई, तुम्हारा भाई हो चुका है फाइनल रेडी, ठीक है। और कैमरा ऐसी जगह छुपाया, पता नहीं चलेगा किसी को, उनको पता नहीं चल सकता कि कहाँ पर लगाया, कहीं कैमरा लगा भी होगा या नहीं लगा होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। और चलो भाई, मैं सोच रहा था पहले दीदी को बोलूँ ना, हम बुलाएंगे मम्मा को, क्योंकि माँ का रिएक्शन अपने बच्चों को लेकर अलग ही होता है, तगड़ा होता है, तो आएगा मजा। चलो मैं आवाज़ लगा दो मम्मा को, और बस बड़े पापा ना आए, मुझे उसके डर है, अगर वो आएंगे तो बजा देंगे, सच में बजा देंगे वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। मम्मा हाँ? मम्मा हाँ? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? ये क्या करके लाया सिर में? अरे चोट लगी। चोट कैसे लगी है? लग गई बस। अरे कहाँ मारती है, चोट लगी क्या तेरे? नहीं, वो लड़ाई हो गई। कैसे लड़ाई हो गई? हाँ। किससे? कॉलेज। क्यों? अरे वो लड़का ज्यादा बोल रहा था, उसने मेरे को कड़ा मार दिया और चोट उसके भी लग गई है। बताना थी, बड़े पापा को बताना। क्या नहीं बताना बेटा, ये इतनी चोट लगी है, पट्टी लगा के आया है, ज्यादा चोट आई है देखे तो। अरे कड़ा बुरा अंदर चला गया, यहाँ पे चला गया था, उसकी भी लग गई, वो तो हॉस्पिटल में भर्ती था, एडमिट था। तो तुम कॉलेज में लड़ने आ रहे हो, पढ़ने जा रहे हो? अरे वो ज्यादा बोल रहा था ना, तो मैंने मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ जाती है। दीपा तेरा नीचे आना, तो अरे हट, पागल हो रहा है क्या? पता नहीं कितनी चोट मार के लाया है। ये देखो इसकी तरह, मन्नू को ये कहाँ मार रहा है, सिर पड़ के ला रखा है पूरा, है ये चोट कहाँ मार के लाया तू? लग गई ऐसी बस। ऐसी कैसे लग गई? हम कॉलेज से आ रहे, लग गई। गाड़ी लेके गया था? नहीं। तो कैसे लग गई फिर? लड़ाई हो, लड़कों ने कड़ा मार दिया है, लड़ाई हो रखी है। कहाँ किन लड़कों ने मार दिया कड़ा? कॉलेज से। तू लड़ते रहा था क्या? उसके भी चोट लगी है बस, वो मामला शांत हो गया, पर वो एडमिट है, मतलब एडमिट है, चोट उसके भी लग गई बहुत यहाँ सिर पे। लड़ाई कर रहा था तू कॉलेज में? वो ज्यादा बोल रहा था तो मैंने पकड़ के, उसने मेरे मार दिया। तू तू नापेगा कि कौन कितना बोलेगा, है तो मार दिया उसने, मैं क्या कर सकता हूँ। और कॉलेज वालों ने कुछ नहीं कहा तुझे? पता नहीं चला उनको। हे भगवान, वो लड़की की भी ज्यादा चोट है, एडमिट है वो बच्चा। मैं तू ना पता नहीं तू क्या करके दिखाने वाला है, लड़के है तेरा कुछ भरोसा नहीं, तू क्या करके दिखाने वाला है, है तू क्या हो गया यार तेरे को, तू पागल हो गया है, तो ऐसे इस कॉलेज में जाके लड़ने लग गया है? अरे मम्मी छोड़, भैया पापा मम्मी में बात कर, ये देखो मम्मी क्या करके आ रहा है, ये देखो जरा नीचे आओ, तो जरा तुम मेरे घर का नहीं है, क्या हो गया ये देखो, उसको कैसे मार रहा है, अब तक नाम की चीज नहीं है, देखो भैया कहां का जाके सर खुलवा के लेके आ रहा है, उनके साथ ये कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ये किसी कंट्रोल में नहीं लड़का है, ये किसी कंट्रोल में नहीं रह गया लड़का, हो गया तो हो गया, ये क्या बात होती है भाई, हो गया तो हो गया, क्या
कोई शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? हर बंदा मारने का बुला लो। अरे और जब है तेरे को पता नहीं क्या? सॉरी यार, सॉरी ना, रुकली भी कर दूंगा। सॉरी सॉरी लग रहा उसको मारो मत, एक तो शॉट मार के लाया वो 70 साल का बेटा, और जाएगा वहां कर रहे हो हैं? रोज कर रहे हो, अरे मार क्या होगा, रुकली के लिए जा रहा है क्या? मालूम क्लास में जाता है? अरे हो गया तो हो गया, पकड़ा तू लड़ाई कर। अरे हो जाती है भाई, तू ऐसा करेगा तेरे छोटे भाई बन के ऐसी मेयर से सब नहीं सब को सो सब नहीं सब नहीं है हैं। हम बोलते हैं जितना सीधा है बोलते हैं, ये सीधा उठ छोटो रहा है, रोज रोज तेरे चल लेता है, दाम निकल। शर्म नाम की चीज नहीं रह गई है बिल्कुल, शर्म तो नहीं है तो कितना अच्छा समझ। अरे हद हो गई यार, हमने बोल दिया सबसे सीधा मन्नू है, मन्नू ऐसा निकल रहा है, अरे चल जा, किसी कंट्रोल में ही नहीं है। अभी पापा वाला तू पढ़ने निकल गया, ज्ञान देता पापा बताइए तेरा अच्छे से इलाज होता थोड़ा बहुत चलता है। क्या चलता है? किसने कहा दिया लड़न? इसलिए भेज रहे हैं तेरे को कॉलेज, ये कहीं नहीं आएगा यार, इसकी पढ़ाई छुड़ाते हैं। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस पढ़ लिया इतना, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं लड़वा सकते ऐसे, शर्म नहीं आती है बिल्कुल। सॉरी ना, क्या करेंगे बता दो, अभी वो पुलिस वाले आएंगे क्या करेंगे? कितना मार खा रहे हैं लड़के का पता नहीं, ऐसा अच्छा चलता है, क्या करेंगे यार हम? अभी देखना पुलिस वाले आएंगे क्या करेंगे हम, बताओ तो। किसका बोल रहा है, इतना एडमिट हो रहा है, हरामी हो बेटा, देख लूंगा। क्या देखेगा तू, क्या देखेगा ये तो ये अपने छोटा लड़को बोल देगा था, पुराने कौन कौन लड़के थे वहाँ? अभी अपना कितना सर फोड़ के लेकर आया, कुछ पता चुका है? कौन कौन लड़के थे वो? कितना घाव हुआ है, क्या पे लेके थे लड़ने? चलता है को जो जाता है वो लगा देता है सर पे भी, नाजायक सा लगेगा। दिखा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, क्या दिखा दे रहा है? पिट के आ रखा है, उसे भी मार दिखा दे रहा, दिखा दे रहा है, नहीं मार रखे लड़के ने, भगवान क्या करे इसका, काम आ रहा है, छोड़ नहीं है हैं जी, ये क्या था है? अब साले को जाना पड़ेगा, अब तू जाना पड़ेगा, बाद में जाना पड़ेगा, तू जाना पड़ेगा है, तू रोज ऐसे फूल गाइस तू रोज ऐसे ही भाई, मजा आ गया बड़े पापा का रिएक्शन देख के, मजा आ गया मुझे, और कितना पिटी है उसमें, ये तो देखो पिट के खुश हो रहा है, पिट के खुश हो रहा है बड़े पापा, कह रहे पुलिस आएगी, कभी आप बताओ, लेकिन अगर लड़के आएगा ना तो बेटा हम नहीं बचा सकते, फिर सीधी बात ये है, अरे हम नहीं बचा सकते, हम सीधे साधे लोग हैं, हमें अपने बच्चे भी सीधे साधे ही चाहिए, हम झेल पाएंगे इतना भैया? हाँ। सीधी बात है, इन्हें तो ऐसे टेंशन दे दिया यार, मैंने कहा पता नहीं कहाँ कितना मार के ले आया यार, भाई बड़े पापा ये सुनने के लायक था, बड़े पापा की वही पता है, बड़े चढ़ा के बड़ा चढ़ा के बात कहने, कह रहे लड़के लेकर गया था मारने, जबकि पता ही नहीं कि कहाँ से लड़के आ गए, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उन्हें तो मौका मिल गया पिटने का। पापा पापा हजर ये भी इसने पट्टी बांध दी, सेम पट्टी, जैसा तू करेगा वैसा तेरे छोटे भाई सीखेंगे पीछे से। कोई बात नहीं भाई, बस लड़ना नहीं चाहिए, मेरा तो एक मेन मोटिव ये था कि भाई ऐसे कॉलेज में लड़ाई होती है, स्कूल में लड़ाई होती है, नहीं, और हमारे बच्चों की भी होती है, होनी भी नहीं चाहिए भाई, मेरी तो कभी लड़ाई नहीं हुई, मैंने कभी ऐसा नहीं करा, फालतू की लड़ाई झगड़ा मैंने कभी नहीं करा, और जब करा है तो लड़ाई ऐसा नहीं करा है, मतलब लड़ाई झगड़ा करा है, ये नहीं कि नहीं करा है, मेरे दोस्त कहेंगे भाई तू लड़ाई झगड़ा नहीं करा, मैंने करा है, लेकिन भाई जब मेरी गलती नहीं होती तब करा है ना, ये देखो ये मुझे सबसे अच्छा रिएक्शन लगा बड़े पापा का, बड़ा चढ़ा के बता रहे मम्मी कदम तो मुझसे कह रहे लड़के भी लेकर गया था, उन्हें पता ही नहीं कि सब लड़के गए थे या नहीं गए, वैसे नहीं करते आपको केले बोलोगे उनके लिए भाई, लेकिन मजा आया कुछ को थोड़ा रिएक्शन मिला और बढ़िया पिटा को भाई, मेरा तो मेन मोटिव ये था कि मैं आजकल के टाइम पे देखता हूँ ना स्कूल में लड़के लड़ाई करते हैं भाई, खूब झगड़ा होता है, कभी कोई किसी कड़ा मार, कड़ा कड़ा वाला सेक्शन मैंने इसलिए पकड़ा ना ये वाला, अभी मम्मी कड़ा वाला बहुत ट्रेंड में आ गया, कड़ा की कड़ा से मारता है ये वो उल्टा सीधा, तो मैंने कहा यार दिखाना चाहिए सब चीजें गलत होती हैं भाई, उससे होता क्या होता है आप लड़ दोगे लेकिन फिर बाद में आपके पेरेंट्स उनको परेशानी होती है, मेन मोटिव आप लड़ दोगे और फिर आप जेल भी जाओगे, ऐसा नहीं जेल नहीं जाओ, जेल भी जाओगे
आप तो अंदर जेल में होगे, बाहर सबको परेशान, सब परेशान होंगे। तो भाई ये सारे काम मत करा करो। और बहुत सारे लोग फालतू की चीज़ों के लिए लड़ते हैं, तो भाई मत लड़ा करो, लड़ाई में कुछ नहीं लगाए, अपना काम करो, खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी रहने दो, है ना। और लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लो, ज्यादा कैसे बन नहीं हो आप, ज्यादा कैसे बन नहीं हो, ज्यादा कैसे बन नहीं हो, मुझसे लड़ लेगा, ज्यादा कैसे बन नहीं हो, लड़ लेगा। चलो भाई मजा आ गया। और भाई बस यार व्लॉग में मेरा यही मकसद था आप लोगों को बताने का, लड़ाई झगड़ा कम करा करो, बहुत आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है ये सब, तो इस सब चीज़ों पे थोड़ी सी रोक लगाओ। और आई होप ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा मेरा, और ये जो मैसेज है यही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।